हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का 12th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ये देखिए, ये एक सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये जो करंट आई है ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहां पे अगर हमें करंट आई फाइंड आउट करना है तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यहां सर्किट में टोटल कितने सोर्सेज दिए है। तो यहां पे टोटल दो सोर्सेस दिए हैं, ये है वोल्टेज सोर्स और ये है करंट सोर्स। हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है तो हम इसको तीन स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में ये वोल्टेज सोर्स को हम एक्टिवेट करेंगे और ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे और ऐसी कंडीशन में ये करंट आई फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ये सोर्स को एक्टिवेट करेंगे और ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से हम करंट आई फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा स्टेप नंबर 2। और फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, दोनों स्टेप में जो हमने करंट फाइंड आउट किए थे वो दोनों स्टेप का करंट या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो फाइनल फिर हमें करंट आई मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो चलो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन आपके मन में आएगा कि यहां पर ये जो दिया है ये क्या है, जो ऐसा डायमंड शेप में दिया है, तो ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे समझ में आ रहा है कि ये डिपेंडेंट है? देखो, डिपेंडेंट सोर्सेस हमेशा डायमंड शेप में दिए होते हैं। दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या है, ये देखिए, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो करंट सोर्स है, ये है इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जो कोई भी दूसरे वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते हैं। जैसे सर्किट में अगर कोई भी दूसरा करंट है या सर्किट में कोई भी अगर दूसरा वोल्टेज है उसके ऊपर ये दोनों सोर्सेस डिपेंडेंट नहीं है तो इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इनका एक खुद का वैल्यू है। ये देखिए, यहां पे 5 एम्पीयर का करंट सोर्स है, इट मींस ये 5 एम्पीयर का करंट सोर्स डिलीवर करेगा। उसी तरह से ये जो 10 होल्ड का वोल्टेज सोर्स है, इसका खुद का वैल्यू है 10 होल्ड, जो कि 10 होल्ड एनर्जी डिलीवर करेगा। तो ये जो सोर्सेस है, ये सोर्सेस कोई दूसरे वोल्टेज या कोई दूसरे करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट सोर्सेस कहते हैं। जबकि ये जो सोर्स है, ये है डिपेंडेंट सोर्स, जो कि दूसरे वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे समझ में आ रहा है? देखो, इसके नीचे इसका वैल्यू कितना लिखा है, 5 Vx। 5 Vx क्या लिखा है, Vx, इट मींस ये जो सोर्स है ये Vx के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे समझ में आ रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर देखो प्लस माइनस लिखा है। अगर इसके अंदर प्लस माइनस है तो जाहिर सी बात है वो वोल्टेज सोर्स है, और अगर ऐसे डायमंड शेप के अंदर अगर करंट का डायरेक्शन दिया होता तो वो होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। फिलहाल ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये हमने आपको बता दिए, जो कि वीएक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फाइनली अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना हमने ऑलरेडी बता दिए, हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में हमने जैसा कहा था, हमें ये सोर्स को लेना है और ये सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, और ऐसे में हमें एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो न्यू सर्किट पहले बनाते हैं। तो ये देखिए, स्टेप नंबर 1 हमने यहां पूरी तरह से लिख दिया है। स्टेप नंबर 1 में हमने देखो क्या लिखा है, कंसीडर 10 होल्ट वोल्टेज सोर्स। हम ये वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, और ऐसे में हमने जैसा कहा कि अगर हम ये सोर्स कंसीडर करेंगे तो हमें ये सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। तो ये करंट सोर्स है, और रूल ऐसा है कि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय करंट सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। तो ये देखिए, हमने यहां पर न्यू सर्किट बना लिए है जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स को लिया है और इधर का जो करंट सोर्स है हमने इसको डीएक्टिवेट किया है, और यहां पर हमने उसके दोनों एंड्स को ओपन किया है। तो ये हो गया ओपन सर्किट। अब ऐसी कंडीशन में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। अब ये करंट आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे एक सिंगल लूप है। देखो, एक सिंगल लूप है, और ये सिंगल लूप में करंट आई फ्लो होगा, और ये करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग। देखो, वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। तो यहां पर जो हम कन्वेंशनल करंट शो करेंगे, ये देखिए, ये हम ऐसा कन्वेंशनल करंट शो करेंगे, और ये करंट को हम कहेंगे दैट इज आई डैश। चलो हम इसको कहेंगे आई डैश। तो ये करंट आई डैश, हमने इसको नाम दे दिया आई डैश, और ये स्टेप नंबर 1 है तो ये आई डैश है। जब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे तो यहां से फ्लो होने वाले करंट को हम आई डबल डैश ऐसा देंगे। तो चलो, हमने यहां पे देखिए, हमने
यहां पे क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले लिया है आई डैश, और ये करंट आई डैश हमें फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग केवीएल। इट मींस हम यहां पे मेश एनालिसिस का यूज करेंगे। अगर आपके मन में आएगा कि यहां पे एक ही लूप कैसे, आपके मन में आएगा इधर भी एक लूप है, नहीं इधर कोई भी लूप नहीं है क्योंकि यहां पे ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है इट मींस यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रांच है ये नहीं के बराबर है। अगर आप यहां से इसको निकाल भी देंगे, देखो अगर आप यहां से इसको निकाल भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, उधर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो हमने उसको हटा दिए। और अब यहां पे हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो चलो देखते हैं अप्लाई करने पर ये क्या होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द लूप, हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो देखो केवीएल अप्लाई करते समय केवीएल के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले अपलोड किए थे, उसमें जो हमने टेक्निक बताए थे बिल्कुल वही टेक्निक का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ये टोटल ये लूप में कितने एलिमेंट्स हैं पहले चेक करो, ये लूप में टोटल चार एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फोर एलिमेंट्स हैं। तो चलो फोर एलिमेंट्स के लिए यहां पर फोर टर्म्स का इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम लेंगे माइनस ऑफ टेन। देखो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू प्लस लेना या माइनस लेना ये सब कुछ डिपेंड करता है करंट के ऊपर। अगर वोल्टेज सोर्स में करंट निगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव मिलो, और अगर वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलो। बस आपको यह ध्यान में रखना है, क्या कहा, निगेटिव से एंटर करने पर वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव से एंटर करने पर वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे देखो ये जो करंट आई डैश है, ये करंट आई डैश ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा, ठीक है, ये ऐसा क्लॉकवाइज है, और अगर ये ऐसा क्लॉकवाइज है तो वोल्टेज सोर्स में कहां से एंटर कर रहा है, देखो ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव। और अब इतना होने के बाद इसके आगे ये देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो हो रहा है आई डैश, तो हम लिखेंगे ये तो प्लस में ही रहेगा, प्लस 10 इंटू आई डैश, ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। देन आगे देखिए यहां पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट अगेन आई डैश, हम इसमें से भी आई डैश लेंगे क्योंकि हमने जैसा कहा यह एक सिंगल लूप है, यह पूरे लूप में आई डैश का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने इसको ले लिए, हमने इसको ले लिए और हमने इसको भी ले लिए, सभी के अक्रॉस का हम वोल्टेज ड्रॉप हमने यहां पे ले रहे, ठीक है, तो हमने ले लिए, लेकिन ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने अभी तक नहीं लिए, तो इसका माइनस इधर है प्लस इधर है, देखो निगेटिव साइड इधर है। तो यहां पर फिर से रूल वही है कि ये जो करंट है आई डैश, ये वोल्टेज सोर्स में, ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स में यहां पर देखो ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, अगर ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम निगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव में दैट इज माइनस ऑफ 5 Vx इक्वल्स टू 0। जैसा हमने कहा था कि फोर टर्म्स का इक्वेशन बनेगा, तो 1, 2, 3, 4 हमने फोर टर्म्स का इक्वेशन बना लिए, ये नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ये भी नेगेटिव में क्योंकि करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, और बाकी एलिमेंट तो प्लस में ही रहना है। ओके, आप चाहे तो यही इक्वेशन रिवर्स मेथड से भी बना सकते हैं, रिवर्स मेथड से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ बुक्स में ये प्रोसेस से बना के दिया है, तो कुछ बुक्स में रिवर्स प्रोसेस से बना के दिया है, कोई भी प्रोसेस से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। हमने केवीएल का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे उसमें ये सभी मेथड्स को हमने उसमें डिस्कस किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ये कौन से मेथड से सॉल्व करना ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक मेथड आपको फॉलो करना चाहिए, मेथड आप अगर बार बार चेंज करेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो फिलहाल हमने ये इक्वेशन बना लिए हैं, और अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर आई डैश का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके मन में आएगा आई डैश यहां फाइंड आउट करने के लिए वीएक्स पुट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल हम यहां पर वीएक्स पुट करेंगे। तो चलो हम यहां पे ये सॉल्व करेंगे, ये माइनस ऑफ 10, ये 10 आई डैश और 2 आई डैश, तो ये हो जाएगा प्लस 12 ऑफ आई डैश और माइनस ऑफ 5। ये जो Vx है, Vx के जगह हम लिखेंगे 2 इंटू आई डैश और इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे आया, देखो Vx के जगह हमने 2 इंटू आई डैश कैसे लिखे, तो ये देखिए यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये सर्किट में ही दिया है, जो गिवन सर्किट है उसमें ही दिया है कि ये जो Vx है, ये Vx 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है। देखो Vx इट मींस 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फार्मूला V इक्वल्स टू I इंटू R। इट मींस अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज Vx है तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या है, देखो इसमें से फ्लो होने वाला करंट है आई डैश, जैसा हमने कहा था कि ये लूप में सिंगल करंट फ्लो हो रहा है आई डैश, तो ये 2 ओम में से फ्लो हो रहा है आई डैश। ओके, तो ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया Vx, इट मींस इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम आई डैश इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज आई इंटू आर ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने वही कहा यहां पे आई डैश इंटू 2 हमने ऐसा लिखे, दैट इज आई आर के फॉर्म में लिखे वोल्टेज को, दैट इज वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हमने वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे उसको लिख दिए। और अब इसको सॉल्व करो, आई डैश मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 12 ऑफ आई डैश माइनस ऑफ 10 ऑफ आई डैश
इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया दैट इज टू ऑफ आई डैश इक्वल टू 10, तो फाइनली आई डैश इक्वल टू 5 एम्पियर। तो फाइनली हमें यहां पे आई डैश मिल गया कितना, 5 एम्पियर। हमने स्टेप नंबर वन में हमने आई डैश फाइंड आउट कर लिए, और ये करंट का डायरेक्शन क्या है, ये करंट का डायरेक्शन देखो आई डैश का डायरेक्शन ऐसा राइट वर्ड है, तो हम यहां पे डायरेक्शन दे देंगे। डायरेक्शन हमने क्यों शो किए, डायरेक्शन इसलिए शो किए ताकि स्टेप नंबर थ्री में जब हम समेशन करेंगे तो समेशन करने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहां पे डायरेक्शन शो किए। तो फाइनली आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, स्टेप नंबर वन हमने कंप्लीट कर लिए, ये जो करंट आए हैं ये हमने फाइंड आउट कर लिए इन स्टेप नंबर वन। अब हम स्टेप नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, और स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है, दूसरा सोर्स जो है वो कंसिडर करना है। स्टेप नंबर वन में हमने ये सोर्स को लिए थे और इसको डीएक्टिवेट किए थे, अब स्टेप नंबर टू में हमें इसको लेना है और इसको डीएक्टिवेट करना है। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसको आपको डीएक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि हमने जैसा कहा था कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये दूसरे वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पे Vx लिखा है, तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये दूसरे वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको आप डीएक्टिवेट कर नहीं सकते। तो चलो स्टेप नंबर टू में हम ये करंट सोर्स को लेंगे और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना इट मींस इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो चलो यहां पे न्यू सर्किट बनाते हैं। तो ये देखिए हमने यहां पे स्टेप नंबर टू लिख दिया है, जैसा हमने कहा था कि स्टेप नंबर टू में एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है, तो हमने यहां पे न्यू सर्किट बना दिए हैं, और जैसा हमने कहा था कि हमें करंट सोर्स को कंसीडर करना है और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, तो देखो यहां पे जहां वोल्टेज सोर्स था वो वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है और वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया है बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये है यहां पे शॉर्ट सर्किट हम यहां पे शो करेंगे, और अब यहां पे अब हम सॉल्व करेंगे और करंट आई फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपके मन में आएगा कि हमने एक और सर्किट बना दिए हैं, इसका क्या मतलब है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये सर्किट हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें केवीएल अप्लाई करना है, और यहां पे केवीएल अप्लाई कर नहीं सकते थे क्योंकि यहां पे करंट सोर्स है। तो हमने क्या किया, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके ये करंट सोर्स को हमने कन्वर्ट कर लिए वोल्टेज सोर्स में। तो ये देखिए हमने इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिए, तो यहां पे वोल्टेज सोर्स आ गया। अब ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना आएगा, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आएगा दैट इज वी इक्वल्स टू आई इनटू आर, जो फार्मूला होता है। तो यहां पे आई है 5 एम्पियर और उसके पैरेलल में है 2 ओम, तो आई इनटू आर करेंगे दैट इज 5 इनटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो यहां पे ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हो जाएगा 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ओके। और इसके सीरीज में हमने वही रेजिस्टेंस लगा दिए जो इसके पैरेलल में था, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। इसके पहले ऑलरेडी हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वहां से आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये आईआर को हमने ये वीआर में कन्वर्ट कर लिए, वो इसीलिए ताकि हमें केवीएल अप्लाई करने में आसानी हो। और अब यहां पे देखिए एक सिंगल लूप बन गया, और अब ये सिंगल लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है। अगर ये लूप सिंगल है तो यहां पर करंट भी एक ही फ्लो होगा, एक सिंगल करंट फ्लो होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो चलो हम यहां पर करंट का डायरेक्शन शो करेंगे, कन्वेंशनल करंट हम शो करेंगे, और ये प्लस टू माइनस शो करेंगे। देखो वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, अगर प्लस ऊपर है तो करंट जो है ऐसा निकलेगा, देखो ऐसा ऐसा करंट फ्लो होगा, इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो हमें ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट शो करना है, तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट यहां पे लिया है, और ये करंट को हम नाम देंगे दैट इज आई डबल डैश, और यही आई डबल डैश हमें फाइंड आउट करना है। वो यहां से निकलेगा ऐसे ऐसे निकलेगा, और ये जो है यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस में से ऐसे इस तरह से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हमें जो करंट क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमें यहां पे अगर फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां पे आई डबल डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। सर्किट में कहा था, देखो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था उसमें यहां से ये साइड में हमें करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो स्टेप नंबर वन में तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से फ्लो होने वाला करंट, उसको नाम दिए आई डैश। स्टेप नंबर टू में यहां से फ्लो होने वाला करंट आई डबल डैश है, और अब हमें यह फाइंड आउट करना है फिर से बाय यूजिंग केवीएल। हम यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने स्टेप नंबर वन में अप्लाई किए थे। तो चलो यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द लूप। हमें केवीएल अप्लाई करना है, कितने एलिमेंट्स है चेक करो, तो यहां पे टोटल 4 एलिमेंट्स है, देखो ये 1 2 3 4, तो चलो यहां पे 4 एलिमेंट्स है, तो 4 टर्म्स का यहां पे इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ, तो वोल्टेज सोर्स के साथ अगर स्टार्ट करना है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम लेंगे माइनस में, दैट इज माइनस ऑफ 10। वो इसीलिए क्योंकि वोल्टेज सोर्स में करंट, देखो करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। अगर वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में, ओके। और अब उसके बाद ये जो 2 ओम है ये तो प्लस में ही आएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 2 इनटू उसमें से फ्लो होने वाला करंट आई डबल डैश। देन ये 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट अगेन आई डबल डैश, और ये फिर से प्लस में आएगा 10 इनटू आई डबल डैश, ओके। तो हमने तीन यहां पे थ्री टर्म्स हमने बना लिए, लेकिन अब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसकी बारी।
तो इसमें देखो जो करंट है आई डबल डैश ये कौन से साइड से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव साइड से या निगेटिव साइड से, देखो करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, इधर में पॉजिटिव है, तो इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा प्लस फाइव ऑफ वी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से हमने यहां पर इक्वेशन बना लिए और अब हम यहां पर वी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। वी एक्स क्या है, तो वी एक्स मतलब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज है। तो ये Vx हमने देखो स्टेप नंबर 1 में क्या किए थे, Vx के जगह हमने I' into यहां पे 2 ओम लिखे थे, देखो I' into 2 ओम हमने ऐसा लिखे थे क्योंकि वोल्टेज का फार्मूला है V equals to I into R, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये लिखे थे, तो यहां पे भी हमें वही करना है। Vx मतलब यहां पे क्या होगा, Vx मतलब यहां पे हो जाएगा I double dash into 2 ओम, क्योंकि इसमें से फ्लो होने वाला करंट I double dash है, तो हम Vx के जगह I double dash into 2 ऐसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 प्लस ये देखो 2 into I double 2i डबल डैश प्लस 10i डबल डैश, तो ये हो जाएगा 12i डबल डैश प्लस 5 इनटू 2 इनटू i डबल डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ऐसा हुआ और फाइनली ये देखिए ये होगा 10i डबल डैश और ये 12i डबल डैश, तो ये हो जाएगा 22i डबल डैश इक्वल्स टू 10। ओके, और अब यहां पे i डबल डैश फाइनली हमें मिल जाएगा, तो i डबल डैश कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 22 करो, तो ये हम कैलकुलेटर में करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ रहा है 0.45445 एम्पियर। तो फाइनली ये हमें I डबल डैश मिल गया और ये जो I डबल डैश है इसका डायरेक्शन हमें शो करना पड़ेगा, तो चलो अब इसका डायरेक्शन हम शो करेंगे। इसका डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन हम इसलिए शो कर रहे हैं ताकि स्टेप नंबर 3 में हमें समेशन करने में आसानी हो। स्टेप नंबर 1 में हमने जो करंट फाइंड आउट किए उसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, स्टेप नंबर 2 में हमने करंट जो फाइंड आउट किए उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। और अब स्टेप नंबर 3 की बारी, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन देख के हमें या तो दोनों का एडिशन करना है या तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, दोनों का डायरेक्शन यहां पर अपोजिट है, तो हमें जाहिर सी बात है दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो बड़े में से छोटा वैल्यू सब्सट्रैक्ट करो। तो हम यहां पर लिखेंगे स्टेप नंबर थ्री में हम लिखेंगे करंट आई जो फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू आई डैश माइनस आई डबल डैश, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.4545। ओके, तो फाइनली हमें करंट आई जो है वो यहां पे मिल जाएगा, तो हम कैलसी का यूज करेंगे, 5 माइनस 0.4545 कैलसी में हमने किया है, तो ये आया है 4.5455 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट आई, तो ये हमने करंट आई फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम का आज का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।